हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लॉन्ग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी ये आर्मी रिक्रूटमेंट तो फाइनली रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन में एकदम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग को 1200 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग को कौन कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों, इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब करियर रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देंगे को मिलता रहेगा और पोस्ट रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल सपोर्ट कीजिए और जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस चैनल में मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो बिना स्किप कर एंड तक देखते रहना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके चलो वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैं फाइनली मैं आ चुका है दोस्तों। पहले मैं आप लोग को सर बताऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सही इसमें क्वालिफिकेशन गिनना चाहिए, उसका बाद आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करेगा तो हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी है दोस्तों। इसमें आप लोग को पोस्ट नेम देखने को मिलेगा दोस्तों, पोर्टर सफाई वाला नेट एंड अदर सिविलियन बार बार कुक भी आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसी 1200 पोस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन में एकदम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये ऑल इंडिया कैंडिडेट है दोस्तों। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10 पास होने से भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को एज रिडक्शन मिलेगा दोस्तों, 5 एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर आप लोग को देने को मिलेगा। सैलरी की बात करेगा तो 30,060 रुपीज आप लोग को पर मंथ दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद लेवल भी आप लोग को देने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो दोस्तों देख सकते हो इसमें पहले डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, पीटी पीएसटी होगा दोस्तों, उसके बाद रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को बुला जाएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फीस, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सबमिट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई की बात करेगा तो दोस्तों 13 अप्रैल 2023 से लेके 26 अप्रैल 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। अगर ये इंटरेस्टेड है तो अगर इस फॉर्म के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 26 अप्रैल पहले आपको अप्लाई करना होगा दोस्तों। पोस्ट नेम आप लोग को पोर्टल में आप लोग को 1440 आप लोग को पोस्ट देने को मिलेगा, मेट एंड अदर सिविलियन के लिए आप लोग को 110 पोस्ट देने को मिलेगा और सफाई वाला के लिए आप लोग को 50 पोस्ट देने को मिलेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों 1200 पोस्ट देने को मिलेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, ओनली मेल सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पर आप लोग को देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ दोस्तों। सैलरी भी इस पर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग को पोस्ट फॉर मैट बार बार वाशरमैन कुक टेलर रिपेयरर कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन में आप लोग को 30,060 आप लोग को देने को मिलेगा और फॉर पोर्टर के लिए भी 30,060 और सफाई वाला भी 30,060 आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। आप लोग का फिजिकल टेस्ट रनिंग होगा दोस्तों, आप लोग को 1600 मीटर होगा दोस्तों, विद इन 6 मिनट में आप लोग को कम्प्लीट करना होगा दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग को रैली डेट भी इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो डेट ऑफ रैली ये इंडियन आर्मी तरफ से आया है, मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। ये हिमाचल इंडियन आर्मी तरफ से अंदर में है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं इसका रिक्रूटमेंट वेन्यू होने वाले 28 अप्रैल 2023 से लेकर 7 मई 2023 तक रैली होने वाला है दोस्तों। रैली होने वाला है दोस्तों, देख सकते हो पोर्टेड कंपनी विल बी डन बाय आर्मी इन आवर निपटी रामपुर भूसर डिस्ट्रिक्ट कुलू एचपी हिमाचल प्रदेश एचपी मतलब है। इस पर आप लोग को रैली डेट होने वाला है दोस्तों, रैली टाइम भी इस पर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हो रैली डेट दोस्तों, देख सकते हो इस पर रैली टाइम डिक्लेरेशन इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये फटाफट ये जल्दी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जल्दी उन लोग वैकेंसी चाहिए, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी एडमिट कार्ड भी निकल लेगा। तो बात आती है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सिलेबस की बात करके तो दोस्तों इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। इसमें आप लोग को टाइम 2 आवर्स आप लोग को देने को मिले, 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा इसमें ऑफलाइन में, एकदम से आप लोग को रिटन एग्जाम देना होगा दोस्तों। सिलेबस की बात करके तो दोस्तों जनरल इंग्लिश में आप लोग को 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क मिलेगा। मैथ्स मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क मिलेगा। जीके जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क ही मिलेगा दोस्तों। रीजनिंग में आप लोग को 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क आप लोग को मिलने वाले। टोटल मिलेगा आप लोग को 100 मार्क का रिटन एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस पर भी आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देख सकते हैं, जनरल नॉलेज में आप लोग को क्या क्या इंग्लिश मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है इस पर आप लोग को सारी दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस पर इंटरव्यू रैली डेट होने वाला है दोस्तों, 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक रैली चलने वाला है दोस्तों। रिजल्ट भी इस पर 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में होने वाला है, ये जल्दी
तो ये होने वाला है। तो दोस्तों तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं आगे बताता हूँ। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो जैसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जैसे लिंक पर अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस पर भी आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो दोस्तों, इसमें फिलअप कैसे करना है, आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों, सारी इस पर आप लोग को इन्फॉर्मेशन दोस्तों देख सकते हो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का जो हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी ये इंडियन आर्मी तरफ से ये अंदर है, इसमें बात आती है दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल एंड 26 अप्रैल 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। ये ऑनलाइन अप्लाई सिंपल प्रोसेस है, मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, इसमें आप लोग को ज़्यादा हार्ड नहीं है, पूरा सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस बटन पर, सिंपली से एडमिट कार्ड बटन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड निकल सकते हैं दोस्तों। फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो व्यू ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिलअप करना, तो फिलअप कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। गेम्स आप लोग को वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आ जाएगा, इसलिए आप लोग को ज्ञान से देख लेना। अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को कारेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो ज्ञान से देखना जरूरी है दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस पर आप लोग को आधार कार्ड नंबर डाल देना, क्योंकि आधार कार्ड नंबर कंपलसरी, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद इसमें आप लोग का फुल नेम डाल देना आपका डॉक्यूमेंट हिसाब से, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद इस पर आपका डेट ऑफ बर्थ, इस पर आपका एड्रेस डाल देना दोस्तों, कोई जहाँ पे आपका एड्रेस है इस पर डाल देना फुल एड्रेस, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद इस पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगा। तो चलो मैं आसाम से डाल देता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका एरिया का पिन कोड नंबर डाल देना दोस्तों, उसके बाद इस पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हो, अदरवाइज भी सकते हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर भी कंपलसरी है, बैंक अकाउंट नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि क्यों बैंक अकाउंट नंबर इतना जल्दी पूछा गया, मतलब उसके लिए रिलिंग जल्दी फास्ट होने वाला है दोस्तों। अगर जॉब मिलने के बाद डायरेक्ट आपका बैंक में आपका सैलरी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए आपको बैंक नंबर भी देना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद इस पर आपको कन्फर्म कर देना, उसके बाद आपका बैंक का IFSC कोड डाल देना, उसके बाद आपका बैंक का एड्रेस डाल देना दोस्तों, उसके बाद इस पर अप्लाई फॉर ट्रेड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, इस पर आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। पोस्ट आप लोग को क्या क्या मिलेगा दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, पहले आप लोग का पोस्ट आप लोग को पोर्टर मिलेगा, मैट, कारपेंटर, बार्बर, कुक आप लोग को पोस्ट मिलेगा, उसके बाद वाशरमैन मिलेगा, टेलर, इजी प्रिपेयर, सफाई वाला आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को दोस्तों देख सकते हो JCB ऑपरेटर भी मिलेगा, मेसन भी, इलेक्ट्रीशियन भी मिलेगा, जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। तो चलो मैं अप्लाई करना चाहते हो, मैं बार बार सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आप लोग को सिंपली सबको पासपोर्ट साइज आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों, उसके बाद आपका आधार फोटो अपलोड कर लेना दोस्तों, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का साथ है तो इस पर अपलोड कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इस बटन पर सिंपली से IR बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों, उसके बाद सिंपली से आप लोग को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी अपने हिसाब से सारी फिलअप कर देना, तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को फाइनल सबमिशन करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग को ज्ञान से अच्छा से आप लोग को फिलअप कर देना दोस्तों। इसमें अगर एक बार सबमिट करोगे तो दो बाद आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ये बढ़िया वेबसाइट है, ये खतरनाक वेबसाइट है, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा फिर से। नहीं, अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को कारेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसके बाद आप लोग को कोई तो आप लोग को जॉब अप्लाई करोगे तो आप लोग को अप्लाई करने से पहले आप लोग फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये अगर एक बार सबमिट करोगे तो आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, अगर एक बार सबमिट करोगे तो ये फाइनली सबमिटेड हो जाता है, इसलिए आप लोग को अच्छा से ज्ञान से आप लोग को देख लेना। तो चलो दोस्तों मैं फाइनली सबमिट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेता दोस्तों। जैसे फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो इस तरफ से, इस पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो दोस्तों योर एप्लीकेशन हैव बीन रजिस्टर सक्सेसफुली। तो फाइनली रजिस्टर हो चुका है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट भी दिया गया है दोस्तों, एडमिट कार्ड यू कैन बी डाउनलोड आफ्टर 26 अप्रैल। दोस्तों देख सकते हो 26 अप्रैल के बाद आपका एडमिट कार्ड निकाल सकते हो दोस्तों। इसमें आप लोग का दोस्तों देख सकते हो डेट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी शोन ऑन एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड पर आप लोग का आपका रैली के कप है, इस पर आपका एडमिट कार्ड पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने को मिलेगा बोला गया दोस्तों। तो आप लोग को पता है दोस्तों इसका रैली होने वाला है 28 अप्रैल है, तो 26 में आप लोग का जो भी एडमिट कार्ड है उन लोग रिलीज कर दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना डाउनलोड एडमिट कार्ड बटन पर दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और पूछते रहेगा, और चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।